ये सुनिए सुनिए जी सुनिए, महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज ही है इस उम्मीद में कि उसका वैवाहिक जीवन बन जाएगा। वो हॉस्टाइल हुई, जी उसको 7 साल की जेल करवा दी और आपने ऐसे उससे कॉम्प्रोमाइज कराया जो कि इलीगल है। उस महिला ने मात्र हॉस्टाइल हुई थी जिसमें आपने 7 साल की सजा कराई, और हॉस्टाइल इसलिए हुई जमानत थी। भी हम ही ने कराई, लौट से वो कोर्ट ने हाँ तो हाँ हाँ आप तो प्रक्रिया कराएंगे। इनिशिएट हाँ कराई और फिर हाँ पैसा भी ले लिए हमसे। और फिर वॉट अगर एवर इट इज, लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के शरीर का इस्तेमाल करते रहे तब बड़ा मजा आ रहा था, अब तो बड़ा मजा आया था सर। फादर मदर का आज काम आज बड़ी तकलीफ हो रही है कि पैसे ले लिए हमसे। नहीं, तकलीफ हमें इनकी हस्बैंड की तकलीफ भी नहीं है, वो उसको भुगतेगा, लेकिन फादर मदर का तो कुछ कोई पूरी बात नहीं पूरे सर, ट्रायल में कोई रोल नहीं रखा। अब पूरे परिवार को लेके चलो एक साथ 498 के, चलो कम से कम एक पैनिक बना रहे पूरे परिवार में, सर हाँ वो गलत है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो दोषी है मान लिया, चलो उसने यूज किया, उसको उसकी क्या भुगतना ही पे। लिविंग में रहने के बाद मैं इनका शादी करने को तैयार नहीं हुआ, हाईकोर्ट से कंडीशन ऑर्डर जारी हुआ कि अगर ये शादी आपके कर, साथ लिव इन में रहे वो। जी फिर शादी हुई। अब शादी वो वैसे ही गलत मन से हुई थी शादी दोनों की। फिर इसके बाद ये हुआ स्थिति तो कि उसने, आपने महिला को इस्तेमाल किया लिव नहीं इन नहीं में सर ऐसा नहीं, रहकर? इस्तेमाल हमारा हुआ, हम थोड़ा सा बता देते हैं पहले नहीं, से। आपने कहा ना गलत मन से शादी हुई थी, तो दोनों में अब जब प्रेशराइज शादी होगी सर तो मनन तो गलत हो गई होगा, धर्म का मन आपने थोड़ा। महिला का इस्तेमाल किया। चलो सर ऐसा मान सकते हैं, आपका डेट लॉर्डशिप इसमें क्या हुआ, उसने 376 की जो रिपोर्ट डाली थी, उसने 376 की रिपोर्ट में मुकर गई, वो कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, हमें 376 से बरी कर दिया और इसके खिलाफ 211 की कार्रवाई इनिशिएट हुई, इसमें उसको 10 साल की सजा भी हुई है। और फिर इसने अपना ही दबाव बनाने के लिए कि अरे तो अच्छा है ना, आप कह रहे हैं हमारे तो 3 ही साल की सजा है, अब मम्मी पापा भी हैं सब, तो क्या उनकी हो गया? माँ पिता अरे सब वो होमली अफेयर मिलेगा ना वहां पे? नहीं मिलेगा। तो जब अपना आप अपना महिला के साथ उसका शारीरिक अपना शोषण, एलिगेशन भी FIR में मेरे था। भाई जब आप महिला का शारीरिक शोषण कर रहे थे लिव इन में रह के, तो आप माता पिता नहीं दिखे थे? नहीं सर शोषण नहीं कर, शोषण अच्छा की नहीं, इस्तेमाल कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, जो भी कहना आप कह लीजिए। अब FIR का कंटेंट पढ़ देता हूँ, मम्मी पिता की उसकी बहन अगर हाँ उसके ये बात तो खिलाफ, सही है, हमने सिर्फ मॉरली प्रश्न पूछे थे नहीं वो। सर क्योंकि वो मान रहे हैं कि शोषण कर रहे थे। अरे वो मॉरल पच्चीस प्रश्न है, मॉरल प्रश्न है। 12-17 से पढ़ रहा हूँ, 25-17 से आवेदिका को शादी उक्त अनावेदक के साथ संपन्न हुई, जबकि शादी के बाद से अनावेदक विनोद कुमार उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद, उसकी माँ विद्या देवी, अनाविदा की बहन राम देवी को पिता करने लगे तथा कहने लगे कि जमात जमात के लिए शादी की थी, अब तुझे नहीं रखना, और कहने लगे कि पिता ने 10 लाख रुपए लेकर आओ नहीं तो नहीं रखना। शादी के बाद से उक्त अनाविदक को अपने साथ पोस्टिंग इलाहाबाद ले गया, उसके बाद आवेदिका को वहां से पता करता रहा तथा पता कर कुछ दिन बाद आवेदिका को मां के छोड़ दिया। छुट्टी आने पर 2-3 दिन बाद आवेदिका के मां गया तो कहता है कि उक्त 10 लाख रुपए जब तक नहीं दोगी तब तक मुझे अपने घर पर नहीं जाएंगे। आवेदिका के पिता की उक्त मांग की पूर्ति करने की नहीं है, जिस कारण उक्त आवेदक ने आवेदिका को साथ रखने से मना कर दिया। नंबर 4, यह कि उक्त पुलिस थाना लोहरा द्वारा में आवेदक न्यायालय में समक्ष विचारण के दौरान शादी होने पर राजीनामा कर लिया था, जिस कारण अनावेदक को दोषमुक्त किया गया। उक्त दोषमुक्ति के पश्चात से अनावेदक ने आवेदिका को साथ रखने से स्पष्ट मना कर दिया, यह कि आवेदिका ने धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के, जिसे पूरी कहानी लिखा, एक एलिगेशन जो पिता माता के ऊपर का है। इसके बाद साहब मैंने एक जजमेंट की कॉपी पेश की, इसी में लगा है A2 पेज 43 के बाद मैंने कोर्ट ने पेज नंबर 23 में लिखा है इसको, कि अपनी मांग की पूर्ति करने के लिए इनके द्वारा ऐसा किया गया और बाद में इन्होंने राजीनामा करके लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं शीट की गई। बहुत अच्छी बात है सर। जमानत का आदेश कहाँ है सर, कहा सर जिसमें आपने कहा था कि हम शादी करेंगे? ओरली बोला था सर, आदेश तो बताओ, जमानत आदेश जमानत का आदेश तो शायद पेश नहीं है इसमें, हाई वो हाई कोर्ट से हुआ था कि ट्रायल कोर्ट से? कोर्ट से एमसीआर से नंबर बताइए। देख लेता हूँ, मेरे पास उपलब्ध नहीं, पर एक IA पेश किया सर मैंने, इसमें जी सर। IA नंबर है 7350/2024। एक महिला, ये जो महिला है एक एफिडेविट वो देती है, शपथ पत्र देती है,
और बोलती हैं कि मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा विनोद विनोद यादव थाना लक्ष्मण यादव निवासी सुवर्ण सो जिला मध्य प्रदेश के बुरा 306 का अंतर्गत अपराध पंजीबित कराया था। विनोद यादव के द्वारा मेरी शादी करने के कारण मैंने उससे राजीनामा कर लिया तथा मुझे आशंका है कि भविष्य मेरे पति विनोद मुझे छोड़ सकते हैं, इसलिए इस कारण मैंने अपने भरण पोषण हेतु 6.5 लाख रुपए एवं 7 लाख रुपए नकद प्राप्त कर लिए हैं तथा भविष्य में अपने पति विनोद से ना तो किसी प्रकार का कोई भरण पोषण का दावा न्यायालय में पेश करूंगी, ना ही नौकरी की मैं कोई भी शासकीय सुविधा भत्ता प्राप्त करने की मांग करेंगी। यदि मेरे मेरे द्वारा भविष्य में किसी प्रकार की कोई मांग की जाती तो अवैधानिक मान करके निरस्त किया जाए। इसके बाद ये जो महिला पर झूठी गवाही देने के बाद वो आदेश हुआ, ये उसके बाद वाला पेज है सर, 41 पेज नंबर, इसी में पेज नंबर पेपर नंबर 41। 7 वर्ष का सश्रम कारावास उस महिला का दंडनीय अपराध वो माना, जी सर, दहेज का प्रकरण बनवाने की धमकी दी जाने वाले। अगर इसको ये हेलोशिप मान भी लिया जाए कि हस्बैंड के और उनके बीच में वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन फादर मदर उनकी जो बहन है वो रहती भी नहीं, उनका कोई इस प्रकार का रोल नहीं दिख रहा रोशन। दिस इज माई टोटल केस रोशन। क्या क्या दुर्गति कर दी आप लोगों ने जिस महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज ये किया। पैसा भी दे सुनिए दिए सुनिए 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 जी। सुनिए, महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज किया इस उम्मीद में कि उसका वैवाहिक जीवन बन जाएगा, वो होस्टाइल हुई, जी उसको 7 साल की जेल करवा दी, और आपने ऐसे उससे कॉम्प्रोमाइज कराया जो कि इलीगल है एक जी 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 सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लाइज से। आप कहते हैं कि उस महिला का कंडक्ट देखें, उस महिला ने मात्र होस्टाइल हुई थी जिसमें आपने 7 साल की सजा कराई, और होस्टाइल इसलिए हुई जमानत थी। भी हमने कराई लॉर्डशिप, वो कोर्ट ने हाँ प्रक्रिया हाँ हाँ आप तो कराएंगे। इनिशिएट हाँ कराई और फिर हाँ पैसा भी ले लिए हमसे और फिर वॉट अगर एवर इट इज, लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के शरीर का इस्तेमाल करते रहे तब बड़ा मजा आ रहा था। आपका जनरल स्टेटमेंट था, जनरल क्वेश्चन आंसर आ गया सर, अब तो बड़ा मजा आया था सर। फादर मदर का आज कहना, आज बड़ी तकलीफ हो रही है कि पैसे ले लिए हमसे। नहीं तकलीफ हमें इनकी हस्बैंड की तकलीफ भी नहीं है, वो उसको भुगतेगा, लेकिन फादर मदर का तो कुछ कोई पूरी बात नहीं पूरे सर, ट्रायल में कोई रोल नहीं रखा। अब पूरे परिवार को लेके चलो एक साथ 498 के, चलो कम से कम एक पैनिक बना रहे पूरे परिवार में, पर हाँ वो गलत है। मैं कह रहा हूँ ठीक है वो दोषी है मान लिया, चलो उसने यूज किया उसको उसकी क्या भुगतना चाहिए, लेकिन इनका तो साहब कोई रोल ही नहीं है, वो भी अनसाउंड माइंड लेडीज नहीं थी, पूरे पूरी तरीके से 18 18+ लेडीज मालूम है थी। फादर सर, तो मदर के बारे में बोल रहा हूँ सर, मैं उसके मामले में और नहीं कह रहा हूँ, मैं मुझे हस्बैंड के। मालूम है ये भी महिला भी जानबूझ के समझ के रिलेशनशिप में आई थी। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तुम क्यों आई, तो आप क्यों आए ये बात प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे नहीं है क्या? सर एक बात अरे मैं वैसे पूछा है नहीं, मैं मान वो ना, अगर नहीं बन रही थी ना हमें ये बड़ा आसान है दूसरे की तरफ उंगली उठा देना, पर बड़ा आसान हम भूल जाते हैं कि जब सामने वाले पे उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ रहती हैं। ताली तो दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इफ शी वॉज अ मेजर देन इट वॉज हर वॉलंटरी एक्ट, नो प्रॉब्लम। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ऐसी है वैसी है, उस पर मैंने पूछा अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह के बहुत बुरी थी तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह के कौन से सुरखाब आपके पर लगे हुए थे, आप भी तो बराबर के बुरे थे। ये मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेजर लड़की की कंसेंट नहीं हो सकती, इट इज देयर प्रेरोगेटिव। प्रॉब्लम ये है कि मर्द करे तो मर्द, और महिला अगर इन्वॉल्व हो जाए तो गलत माने जाए वो बात तो ठीक है, गलत। ये वो बात कौन सा न्याय है सर, सामाजिक न्याय है? बाकी जो बाराती उनको तो ना लपेटो, नाचे कुछ नहीं कुछ तो इनका कुछ नहीं। ये भी थे। अरे यार आपका आपका मजाक वाला क्वेश्चन था, आज मजाक ये वाला आंसर है। इनका देख लिया जाए मैं देखता मैं देखता, मुझे इस बात का बुरा लगता है जी। जब ताली दोनों हाथों से बजती है, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही एक गलत फिर नहीं हो सकता।
अब इनकी गलती के हाँ, चक्कर मैं वो नहीं कह रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। शुरुआत तो आदमी करता है, बात सही। मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर भी कोई भी लांछन नहीं लगा रहा, एक भी शब्द नहीं कह रहा। जी 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 मेरा कहना है या तो दोनों सही है, लिव इन रिलेशनशिप में दोनों सही है या दोनों गलत है। एक पक्षकार दूसरे को गलत नहीं बोल सकता, ये मेरा मानना है, बस इतनी सी बात है। चल एज देख लें, एक बार 63 साल है, पिता की माता की 57 साल है, और बहन मैरिड है, 32 साल पर है। बच्चों का कर्म कभी कभी पिता माता पिता भी भुगत चलो रहे हैं। चलो मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। ब्लेस।